नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल आडो के स्ट्राइम में। मैं हूँ आपका दोस्त अमन सार और लेके आया हूँ आज आपके लिए ये डेली डोज, जिसके अंदर मैं बात करूँगा बहुत सारी न्यूज की। तो आशा करता हूँ आपको ये न्यूज पसंद आएगी। अगर आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए पता लगाते हैं आज के इस डेली डोज के बारे में। तो चलिए दोस्तों पता लगा लेते हैं आज के इस डेली डोज के बारे में और आशा करता हूँ आपको हमारे प्रीवियस वीडियोस अच्छे लगे होंगे। यहाँ पे बात करें आज के सबसे पहली डेली डोज की, तो ये आ रही है सैमसंग गैलेक्सी S11 Plus से। और यहाँ पे आया है एक पेटेंट सामने, जिसके तहत मालूम पड़ा है कि यहाँ आपको मिलने वाले हैं 3 कैमरा फ्रंट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से पेटेंट देखने को मिल रहा है और यहाँ आपको ये 3 कैमरा देखने को मिल रहे हैं। बात करें और चीजों की तो अभी ज्यादा कुछ कंफर्म नहीं है, तो वेट करते हैं, देखते क्या होता है, किस प्रकार से सैमसंग गैलेक्सी S11 Plus आता है और क्या 3 कैमरा फ्रंट में देखने को मिलते कि नहीं। बात करें अगली डेली डोज की, तो ये आ रही है एयरटेल कंपनी की तरफ से। यहाँ पे ये ऑफर कर रहे हैं डिजिटल टीवी SD सेटअप बॉक्स को 1,300 रुपए में, वो भी नए कस्टमर के लिए। तो अगर आप चाहते हैं नया सेटअप बॉक्स लेना और आप एयरटेल के डिजिटल टीवी SD में इंटरेस्टेड हैं, तो अभी आपको 1,300 रुपए में मिलेगा। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप ये सेटअप बॉक्स लेना चाहेंगे या फिर किसी और कंपनी का, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो ये आ रही है हार्डवेयर ब्रॉडबैंड की तरफ से। और यहाँ पे इन्होंने बताया कि इन्होंने रिमूव कर दिया है FUP लिमिट, वो भी कुछ सिलेक्टेड सिटीज में से। तो अगर आप इनके ब्रॉडबैंड प्लान लेते हैं तो अब आपको FUP लिमिट नहीं देखने को मिलेगी। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या आपको ये फैसला अच्छा लगा कि नहीं लगा, कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो यार ये सैमसंग कंपनी की तरफ से। और यहाँ पर आप जानते हैं इंडिया में इन्होंने अनवील किया था गैलेक्सी फोल्ड को और यहाँ पे प्री ऑर्डर स्टार्ट किया था पहला, जिसके अंदर 1,600 यूनिट सोल्ड आउट हो चुकी थी। और यहाँ पर आप जानते हैं 1.65 लाख का ये स्मार्टफोन है। और अब यहाँ पे मालूम पड़ा है कि एक वीक के बाद यहाँ पे वापस से प्री ऑर्डर रखा गया और यहाँ पे 30 मिनट के अंदर ये सोल्ड आउट हो गए इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गैलेक्सी फोल्ड ने धमाल मचा दिया है और लोग यहाँ पे बहुत खरीद रहे हैं। तो अब आप बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप भी इंटरेस्टेड हैं सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड लेने में, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो ये आ रही है गूगल पिक्सल 4 और 4 XL से। और ये अवेलेबल हो चुका है बेस्ट बाय कनाडा में और यहाँ पे मालूम पड़ा है कि कुछ इस प्रकार से आपको फीचर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 12 मेगापिक्सल प्लस 16 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिल रहा है, 4K वीडियो रेजोल्यूशन मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने मिलेगा, 5.7 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले आपको यहाँ पे 4 में मिल रही है। वहीं 4 XL में आपको 6.3 इंच की क्वाड HD प्लस OLED डिस्प्ले मिल रही है और अदर फीचर आप देख सकते हैं। यहाँ पर बात करें प्राइसिंग एंड अवेलेबिलिटी की, तो ये अवेलेबल हो चुका है, यानी अभी प्री ऑर्डर के लिए अवेलेबल हो चुका है और यहाँ पे आप $40 में इसे प्री ऑर्डर कर सकते हैं। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या अभी वेट कर रहे हैं गूगल पिक्सल 4 और 4 XL का, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो यार ये सैमसंग कंपनी की तरफ से। और यहाँ पे इन्होंने ओपन कर दिया है एंड्रॉइड 10 बेस्ट वन UI बीटा 2.0 को और ये देखने मिलेगा गैलेक्सी S10 लाइनअप के लिए। यहाँ पे बात करें कहाँ देखने मिलेगा, तो यहाँ अभी ये सिर्फ साउथ कोरिया में मिलेगा और हो सकता है कि उसके बाद अदर कंट्रीज में देखने मिल जाए। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या अभी वेट कर रहे हैं एंड्रॉइड 10 बेस्ट वन UI 2.0 का, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो यार ये टोयोटा कंपनी की तरफ से। और यहाँ पे इन्होंने अनवील कर दिया है इनकी मिराई कॉन्सेप्ट को। आप जानते हैं ये एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल है और यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से देखने मिलेगी। यहाँ पर लुक वाइज ये बहुत अच्छी लग रही है। कंपनी ने बोला है कि यहाँ 30% आपको इंक्रीज देखने मिलेगा ड्राइविंग रेंज के अंदर और यहाँ अब आपको मिली है 483 किलोमीटर की रेंज। यहाँ पर बात करें और चीज़ों की, तो लुक वाइज ये बहुत अच्छी लग रही है, पहले से इसका लुक बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर अदर चीज़ें आप देख ही सकते हैं। बात करें इंटीरियर की, तो इंटीरियर भी आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर आपको 12.3 इंच की सेंट्रल टच स्क्रीन डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल डिस्प्ले मिल रहा है और यहाँ पर आपको कंट्रोल देखने मिलेंगे। ये आपको 5 सीट्स देखने मिलेगी और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल इंटीरियर भी बहुत तगड़ा लग रहा है। यहाँ पे बात करें और चीज़ों की, तो अभी ज़्यादा कुछ कंफर्म नहीं है, तो वेट करते हैं, देखते कब तक ये आती है, क्या ओवरऑल प्राइसिंग निकल के आती है और क्या ये वर्थ सकती है परचेस करना। तो आप बताइए क्या सोचते हैं और क्या आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया कि नहीं आया, कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली और फाइनल डेली डोज की, तो यार ये आईसुजु कंपनी की तरफ से। और यहाँ पे इन्होंने अनवील कर दी है इनकी नई डी मैक्स को और ये अभी आपको देखने मिलेगी थाईलैंड के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से देखने मिलेगी। यहाँ पर अगर आप फ्रंट लुक देखें तो बहुत ही क्लियर है और यहाँ पर आपको मिल रही है प्रोजेक्टर लाइट, LED DRL मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको
टू स्लेट ब्लैक ग्रिल मिल रहे हैं और बहुत ही गजब का आपको फ्रंट लुक मिल रहा है। बम्पर भी यहाँ बहुत ही मस्कुलर और बहुत ही क्लियर लग रहा है। यहाँ पर बात करें और चीजों की तो यहाँ आपको ब्लैक में ओ आर वी एम्स मिल जाएंगे, आर्क क्लैडिंग मिल जाएगी, ब्लैक रूफ रेल्स मिल जाएंगे, ये आपको पीछे की तरफ एलईडी टेल लाइट मिल जाती है। यहाँ पे बात करें और चीजों की तो ओवरऑल लुक बहुत ही गजब का है। जैसे इंटीरियर में जाते हैं तो आपको यहाँ बड़ी टच स्क्रीन देखने मिलती है जो सपोर्ट करती है एप्पल कार प्ले और एंड्रॉइड ऑटो को। यहाँ पे बात करें और चीजों की तो यहाँ आपको 4.2 इंच की डिजिटल डैश डिस्प्ले भी मिल जाएगी। यहाँ पर ब्लैक एंड ब्राउन ड्यूल टोन में आपको ये मिल रहा है और ओवरऑल इंटीरियर अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बात करें इंजन की तो आपको नया 3.0 लीटर टर्बो चार्ज डीजल इंजन मिलेगा जो जनरेट करता है 188 bhp पावर और 450 nm टॉर्क। यहाँ पे बात करें और चीजों की तो यहाँ आपको एक और वर्जन मिलेगा 1.9 लीटर RZ4E टर्बो डीजल 4 सिलेंडर इंजन जो प्रोड्यूस करेगा पहले से ज्यादा पावर और यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलेगी। बात करें अवेलेबिलिटी एंड प्राइसिंग की तो इसके बारे में अभी कुछ कंफर्म नहीं है, परंतु लुक वाइज ये अच्छी लग रही है। अब देखते हैं इंडिया में कब तक आती है और इंडिया में क्या प्राइसिंग होती है। तो आप बताइए क्या सोचते हैं और क्या आपको ये नई डी मैक्स पसंद आई कि नहीं आई, कमेंट कीजिए और बताइए। साथ ही साथ बताइए कैसे लगा आज का डेली डोज। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जितना हो सके इसे फैलाइए और हो सके तो डोनेट कीजिए। मिलता हूँ गाइस मैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही था। मैं था आपका दोस्त अमन सारडा, भारत माता की जय।